अगर आप भी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को एक शानदार टीम मानते तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज आईपीएल के इतिहास में बहुत ही बड़ा मुकाबला खेला जाएगा। ये मुकाबला इसलिए भी खास है क्योंकि एक तो ये सेमीफाइनल मुकाबला है और दूसरा इस मुकाबले में जो भी टीम जीतेगी उसको फाइनल का टिकट मिल जाएगा। तो वहीं जो भी टीम इस मुकाबले को हारेगी उसको इस आईपीएल से बाहर होना पड़ेगा। आईपीएल के इस क्वालिफायर टू मुकाबले में आईपीएल के इतिहास की दो बड़ी टीम राजस्थान रॉयल्स और राजस्थान चैलेंजर्स बैंगलोर की कांटे की टक्कर होने वाली है। अभी हाल ही में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम के खिलाफ एलिमिनेटर मुकाबला खेल कर आ रही है। ऐसे में इनकी टीम की कोशिश ये रहेगी कि वो अपने विजय रथ को जारी करते हुए राजस्थान रॉयल्स की टीम के खिलाफ भी विजय प्राप्त करे और फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ले। तो वहीं अगर हम राजस्थान की टीम की बात करें तो राजस्थान रॉयल्स की टीम अपना पिछला सेमीफाइनल्स मुकाबला गुजरात टाइटंस की टीम से हार कर आ रही है। अब इनका आत्मविश्वास गिरा हुआ है। ऐसे में ये चाहेगी कि सेमीफाइनल मुकाबले को जीत कर अपनी टीम का आत्मविश्वास को वापस लाए और फाइनल में पहुंचकर गुजरात टाइटंस की टीम से अपनी पिछली हार का बदला ले। दोस्तों अगर आप इस मुकाबले को लाइव देखना चाहते हैं तो आप इसको 7:30 बजे से डिज्नी प्लस हॉटस्टार और स्टार स्पोर्ट्स के सभी नेटवर्क्स पर लाइव देख पाएंगे। ये मुकाबला अहमदाबाद के खूबसूरत मैदान नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर होने वाला है। सबसे पहले अगर आप इस मुकाबले के लिए रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम की बात करें तो इनकी टीम की तरफ से ओपनिंग करने के लिए आएंगे इनकी टीम के कप्तान और पूर्व कप्तान यानी कि विराट कोहली और फाफ डु प्लेसिस। ये दोनों बहुत ही शानदार बल्लेबाज हैं। विराट कोहली ने तो एलिमिनेटर मुकाबले में भी शानदार रन बनाए थे। हालांकि फाफ डु प्लेसिस का बल्ला कुछ समय से शांत है लेकिन इस क्वालिफायर टू मुकाबले में आरसीबी के कप्तान डुप्लेसिस भी अपने बल्ले से तूफान मचाकर राजस्थान की टीम को ध्वस्त कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम एक भी टीम के मिडल ऑर्डर की बात करें तो इनकी टीम में रजत पाटीदार, ग्लेन मैक्सवेल, महिपाल लोमरर और दिनेश कार्तिक जैसे बड़े खिलाड़ी शामिल है। दोस्तों आपने देखा होगा कि कैसे एलिमिनेटर में रजत पाटीदार ने अपनी शानदार शतकीय पारी से लखनऊ की टीम को एलिमिनेट कर दिया था। इसके अलावा ग्लेन मैक्सवेल और दिनेश कार्तिक भी शानदार फॉर्म में चल रहे हैं और इस मुकाबले में अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से राजस्थान की टीम के गेंदबाजों को पानी पिला सकते हैं। इसके अलावा अगर हम आरसीबी की टीम की गेंदबाजी की बात करें तो इनकी टीम में जोश हेजलवुड, मोहम्मद सिराज, हर्षल पटेल, हंसरंग और शहबाज अहमद शामिल हैं। दोस्तों आपने देखा होगा कैसे पिछले मुकाबले में हर्षल पटेल और जोश हेजलवुड ने अपनी शानदार गेंदबाजी के दम पर आरसीबी की टीम को एलिमिनेटर मुकाबले में जीत दिलाई थी। दोस्तों इसके बाद अगर हम राजस्थान रॉयल्स की टीम की बात करें तो इस मुकाबले के लिए राजस्थान रॉयल्स की टीम में सबसे पहले ओपनिंग करने के लिए आएंगे जोश बटलर और यशस्वी जायसवाल। और आपने पिछले मुकाबले में जोश बटलर का प्रदर्शन तो देखा ही होगा कैसे इन्होंने पिछले मुकाबले में अपना शानदार प्रदर्शन किया था। हालांकि ये बात अलग है कि उस मुकाबले में अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाए थे लेकिन इन्होंने अपनी बल्लेबाजी से सभी का दिल जीत लिया था। आरसीबी के खिलाफ इस मुकाबले में भी इनसे हमें इसी प्रकार के प्रदर्शन की उम्मीद है। इसके बाद अगर हम नंबर तीन पर बल्लेबाजी की बात करें तो नंबर तीन पर बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे भारत के युवा बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल। ये भी एक शानदार बल्लेबाज है और मैदान पर बड़े बड़े छक्के लगाने के लिए जाने जाते हैं। इसके बाद नंबर चार पर बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे खुद राजस्थान रॉयल्स की टीम के कप्तान संजू सैमसन। आपने देखा होगा कि पिछले मुकाबले में संजू सैमसन ने विस्फोटक बल्लेबाजी की थी आरसीबी के खिलाफ। इस क्वालिफायर टू में भी संजू सैमसन इसी प्रकार की बल्लेबाजी कर सकते हैं। इसके बाद अगर राजस्थान रॉयल्स की टीम गेंदबाजी की बात करें तो इनकी टीम में गेंदबाजी करने के लिए रविचंद्रन अश्विन और ट्रेंट बोल्ट जैसे खतरनाक गेंदबाज शामिल हैं। इसके अलावा इनकी टीम में युजवेंद्र चहल और प्रसिद्ध कृष्णा भी शामिल हैं। दोस्तों आप इन दोनों टीमों में से अपना पसंदीदा खिलाड़ी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।